हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं, आपको सीएसएस बहुत ज़्यादा नहीं आती, फिर भी आप बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट की एक ऐसी लाइब्रेरी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। इस पे काम कैसे करते हैं, कैसे एक होम पेज क्रिएट किया जाता है, कम्प्लीट एक होम पेज हम क्रिएट करेंगे एनिमेशन से ऐड करके। सीएसएस की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सीएसएस बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इनकी लाइब्रेरी की तरफ मूव कर सकते हैं। सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाता है, ये सब कुछ पूरे का पूरा कॉन्टेंट रिस्पॉन्सिव होता है बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट जितना भी हम यूज करने वाले हैं पूरे का पूरा कंटेंट अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा सेव होने वाला है। रिस्पॉन्सिव बनाने की हमें टेंशन नहीं है कि कैसे हम वीडियो क्वेरीज वगैरह यूज करेंगे। तो ये है हमारी एक वेबसाइट, एक होम पेज भी नहीं है, इसको आप कंप्लीट वेबसाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पे मैंने मल्टीपल ऑप्शन ऐड किए हैं। वन पेज एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वो उन्हीं में से एक है। फीचर्स पे क्लिक करेंगे आप फीचर पे आ जाएंगे, प्राइस पे क्लिक करेंगे प्राइस पे आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे जाने ऐसे चले जाएंगे। कोई सीएसएस इसमें नहीं है, ये सब कुछ आपको बना बनाए मिल जाता है। जहाँ पे करना क्या है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखो थोड़ी सी एनिमेशन इफेक्ट होके आ रही है। और जहाँ पे चलते हैं ये वाले जो है, जहाँ पे ऐसे एनिमेशन आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ऐसे देखो एनिमेशन बन के आ रही है। बहुत ही आसानी से ये एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी डिजाइनिंग नहीं आती ना, बहुत ही अच्छी आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे ना बहुत ही प्यारी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ बटन बने बनाए मिलते हैं, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस बना बनाया सब कुछ हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वेबसाइट को क्रिएट करना। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सर्च करना है चक्रा यूआई, क्योंकि इसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी चक्रा यूआई, रिएक्ट लिखना है लिख दो, नहीं तो आप ऐसे ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना है, पहले जो लिंक आएगा उसी को ओपन कर लो। गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मिल सकता है, यहाँ पे क्या क्या कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये सब आपने इंस्टॉल करना है। तो इसको कॉपी कर लेना है आपने, पहली कमांड। नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, वीट का फोल्डर है, आप अपनी मर्जी से रिएक्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं। टर्मिनल ओपन करना है, आपका जो फोल्डर का नाम है वहां पे नेविगेट हो जाना है, ये कंपलसरी है, नहीं तो ये डिपेंडेंसी सारी की सारी डाउनलोड नहीं होनी। तो यहाँ पे आके बस वो वाली कमांड कॉपी पेस्ट कर देनी है, मैंने सब कुछ पहले इंस्टॉल कर रखा है। देन इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक फाइल होगी, इंडेक्स डॉट जी एस होगी, जहाँ पहले ही बनी होती है। मेरे पास वीट है तो मेरे पास मेन डॉट जी एस है, तो आपने चेक कर लेना है कौन सी आपके पास फाइल है। अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आपके पास इंडेक्स डॉट जी एस फाइल हो सकती है, वहां पे ऐसा कुछ एक कोड मिलेगा। ठीक है, चक्रा यूआई को जहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैं जहाँ पे कॉपी करूंगी, आपका जो मेन ऐप वाला फोल्डर है इसके अंदर रैप होना चाहिए, तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। ये वाला उठाओ, इसका जो एंडिंग टैग है ऐप के बाद यहाँ पे बंद कर दो, और इसको हमने लगाना है, यहाँ से कॉपी करो ये वाला कोड ऊपर वाला, इधर आके टॉप पे इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास चक्रा जुआई बिल्कुल इंपोर्ट हो चुकी है, डाउनलोड भी कर लिया है, इंपोर्ट भी कर लिया है। जब तक आप ये कोड नहीं लगाएंगे अपनी मेन जीएक्स में या फिर इंडेक्स डॉट जीएस में अगर रिएक्ट है, देन तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा। तो ये तो हो गया इंस्टॉल, तो हो गया हमारे पास सब कुछ। कुछ भी आपने क्रिएट करना है तो ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। पूरी हम वेबसाइट देखेंगे कि पूरा लैंडिंग पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, ऐप डॉट जी एस पे चलते हैं, आर ए एफ सी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। चलिए, मैं चाहती हूँ सबसे पहले इंपोर्ट करना है, एक एक चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बटन लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, बटन कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम जहाँ पे आपने उसका नाम रखना है जिसको हमने डाउनलोड किया है। मेरे पास उसका नाम है चक्रा यूआई। अब जहाँ पे रिएक्ट है एक आइकन्स है, तो मैं जहाँ पे आइकन्स नहीं रिएक्ट चूज करूंगी। अब इस वाले बटन को लगाना कैसे है वो भी पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में जाना है। रिटर्न में जाके आप डायरेक्ट भी ये वाला डिव नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। बटन लगाना है बस, जहाँ पे आके बटन लिख लो, नहीं तो आपको पूरा कोड यहाँ पे मिल जाएगा बटन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जहां से कंटेंट आपने उठाना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे बटन लिखो, बहुत सारे बटन्स आपको मिल जाएंगे, बने बनाए बटन्स, कौन सा चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन्स हमारे पास आए नहीं, एक बार फिर से सर्च करते हैं, बटन तो ये आ गए। ठीक है, एक बटन आप लगाना चाहते हैं बस, यहाँ पे इसको कॉपी करो,
ये आगे पूरे के पूरे बटन, इतने सारे बटन्स बने हुए हैं, कौन सा बटन आपको चाहिए, जे बटन्स है, हर एक कैटेगरी का आपको मिल जाएगा बटन। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बटन बने हुए हैं, कोई भी एक सिंपल सा बटन लगा के देखते हैं ताकि हमें पता चले कि वर्क कर रहा है कि नहीं। बस इसको कॉपी करना है, रिटर्न में आके जहाँ पे आके पेस्ट कर दो, सेव कर दो। ये बटन तभी वर्क करेगा अगर जहाँ पे बटन को इम्पोर्ट किया गया। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो मेरे पास बटन लग गया, ठीक है। बस ऐसे ही एक एक कंटेंट हमने इंपोर्ट करना है, तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। चलिए पूरी इस वेबसाइट में हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है वो हम देख लेते हैं एक एक करके। जो मैंने लगाई हुई है, एक मुझे चाहिए, एक मैंने बॉक्स ऐड किया है, एंटर करो इसको। ऐसे आप एंटर कर सकते हैं कॉमा लगा के, बस एक एक करके ऐड करते जाओ। एक मैंने बॉक्स क्रिएट करना है, एक बटन लगाना है, एक कंटेनर मुझे चाहिए, एक फ्लेक्स चाहिए, और जहाँ पे इसको हमने कुछ भी अलग से नहीं रिस्पॉन्सिव बनाना, चेक करेंगे हमारे पास सब कुछ रिस्पॉन्सिव है पहले से ही। हेडिंग चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए, एक मुझे स्टैक चाहिए। ये सब क्या है जब क्रिएट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, बने बनाए सब कुछ हमें कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल बूस्ट रैप की तरह है। एक इमेज हमने लगानी है, एक मुझे इनपुट फील्ड चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, बस इतने ही चाहिए। जे हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट चक्रा जुआई से, मतलब रिएक्ट से। एक हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है मैंने चैब्रॉन, हम डाउन इसका नाम है चैब्रॉन है, हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं चैब्रॉन डाउन आइकन। अब जहां पे आइकन लगा हुआ है तो उधर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा आइकन, चक्रा जुआई आइकन्स हमने इंपोर्ट करनी है। एक ऐसे ही मैं इंपोर्ट करूंगी मोशन, मोशन मतलब यहाँ पे फ्रेमर मोशन, मैं एक एनिमेशन यूज कर रही हूँ तो फ्रेमर मोशन हम इसको यूज करेंगे। इसको भी हमने डाउनलोड करना है सब कुछ। वैसे तो मैंने इस कमांड में लिखा हुआ है क्या क्या हमने डाउनलोड करना है, वही कमांड है जो हमने जहाँ से देखी थी ना स्टार्टिंग में, सेम वहां पे एक उसमें एक फ्रेमर मोशन नाम की भी थी लाइब्रेरी, जहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना फ्रेमर मोशन, इसको भी हमने डाउनलोड करना है। तो एक एक करके सब कुछ यूज करते जाएंगे, बस इतना सारा सब कुछ हमने इंपोर्ट करना है, एक एक करके हम इसको बस यूज करेंगे। चलिए इसको एंटर कर देते हैं। सबसे पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, नाम इसका रख देते हैं मोशन बॉक्स इज इक्वल टू मोशन बॉक्स। जो भी मेरे पास बॉक्स होगा उसके ऊपर ये एनिमेशन लग जाएगी, ठीक है। मोशन की हमने मोशन क्रिएट करना है, मोशन एक फ्रेमर मोशन एक एनिमेशन की लाइब्रेरी है, उसको लगाते कैसे हैं वो देख लो। कॉन्स्ट एक और नाम देना है मोशन स्टैक का, किस किस चीज पे आपने एनिमेशन लगानी है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी मोशन स्टैक की, स्टैक के ऊपर लगानी है। कॉन्स्ट एक क्रिएट करना है मोशन फ्लेक्स का, तो मैं फ्लेक्स के बोलूंगी मोशन, यहाँ पे लिख दो फ्लेक्स। ये सब हमारे कंटेंट है चक्रा जुआई के जो हमने क्रिएट करने हैं, उन्हीं के ऊपर एनिमेशन लगेगी। कॉन्स्ट एक क्रिएट करना है, जहाँ पे चलते हैं बॉक्स सबसे पहले क्रिएट करना है। अब एक एक करके देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने जहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है ना, इसको हमने क्रिएट कैसे करना है, बॉक्स लगा दिया बस। इसको सेव करो, साथ साथ में रिफ्रेश करके देखो क्या हमें आउटपुट में कुछ नजर आ रहा है। इसको हम बैक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास वेबसाइट ओपन है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो बॉक्स लगाने से अभी पूरा अगर हम ऐसे ही लगा देते हैं तो मुझे यहाँ पे अभी कुछ नजर नहीं आएगा। बॉक्स के अंदर मैं एक फ्लैक्स ऐड करूंगी, फ्लैक्स मतलब एक नेविगेशन बार बनानी है। अब देखो नेविगेशन बार सबसे पहले क्या बनाएंगे, जे एक बॉक्स क्रिएट कर दिया अलग से ही, ऊपर टॉप पे एक बॉक्स नजर आएगा, उसमें एक नेविगेशन बार बनानी है। तो फ्लैक्स यूज करेंगे, इस वाली एंगुलर ब्रैकेट के बीच आपने लिखना है एज इज इक्वल टू, इसको मैं बोलूंगी नेव, इसको एज अ नेव हम बोलेंगे। एक जहाँ पे अलाइन यूज करेंगे, अलाइनमेंट मतलब तो सेंटर में रहेगी अलाइन। जस्टिफाई कंटेंट हमने जैसे होता है जस्टिफाई इज इक्वल टू, अब जहाँ पे सेंटर नहीं आएगा मैं स्पेस बिटवीन लिखूंगी। इसका मतलब है जितने भी नेविगेशन बार में एक फीचर होगा, होम पेज होगा, कंटेंट पेज, उसके बीच स्पेस आ जाए, ठीक है। एक पैडिंग ऐड करेंगे, थोड़ी सी पैडिंग, जहाँ पे पैडिंग हम लिखेंगे कोई भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू लिखनी होती है REM के साथ लिख देते हैं। अभी मुझे जहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि नेविगेशन बार में हमने कंटेंट लिखना होता है, तो पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है,
जहां से बॉक्स स्टार्ट है ना, पूरा कोड बॉक्स के अंदर लिखना है। इधर मेरे पास फ्लेक्स खत्म हो गया, फ्लेक्स खत्म होने के बाद जहां पे खत्म हो गया ना, एक कंटेनर स्टार्ट करना है, जो हमने कंटेनर ऊपर लगाया है ना, कंटेनर स्टार्ट करना है। कंटेनर के अंदर अब हम नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, एक एक कंटेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे। तो मैं इसको बोलूंगी मैक्स डब्ल्यू, मैक्स डब्ल्यू मतलब मैक्सिमम विड्थ। विड्थ क्या रखूंगी, कंटेनर डॉट एल जी, एल जी मतलब लार्ज स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले, ये कीवर्ड है, बने बने कीवर्ड, डिस्प्ले आ जाएगा फ्लेक्स में। अलाइन आइटम्स इज इक्वल टू सेंटर में चाहिए, ये तो हो गया एक मेन कंटेनर। उसके बाद बारी आती है जहां पे हेडिंग की, नेविगेशन बार बनानी है तो मैं जहां पे हेडिंग यूज करूंगी, हेडिंग के बीच ही इसको एंटर कर देते हैं। हेडिंग की एंगुलर ब्रैकेट के बीच आपने जाके टाइप करना है, पहले तो साइज मेंशन करेंगे, साइज एल जी होगा या एस एम स्मॉल होगा तो हम एल जी रखेंगे। मार्जिन लेफ्ट से, ये सब प्रॉपर्टीज हम बाद में ऐड करेंगे। तो मैं जहाँ पे एक टाइप इसकी हेडिंग ही लग रखूंगी, इसका नाम हम रख देते हैं माई वेबसाइट। इसके बीच आप जो भी हेडिंग लिखेंगे ना, आपकी वेबसाइट का जो मेन लोगो होता है या फिर आपकी वेबसाइट का मेन नाम, तो अभी मुझे जहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसको हम एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। एरर एरर जो है जहाँ पे एक एरर है मेरे पास यहाँ पे, चक्रा यूआई, अच्छा चैब्रॉन के यहाँ पे, चैब्रॉन का एक बार इसका स्पेलिंग देख लेते हैं। जब इसको हटा देते हैं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम तब लगा देंगे, इसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। जहाँ पे आ गया कंटेंट है तो लिखा नजर आ गया ना, चैब्रॉन को अभी हटा देते हैं, उसको बाद में देखेंगे, उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो तब देखेंगे, लगाना ही क्यों है। यहाँ पे आ गया मेरे पास, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से हम करेंगे, एम एल इज इक्वल टू मार्जिन लेफ्ट 4, ऐसे लिखना है कर्ली ब्रैकेट के बीच, तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन आ जाएगा, ये देखो मार्जिन आ गया। नहीं भी लगाना तब भी ओके है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें मार्जिन कैसे ऐड करते हैं। तो हेडिंग तो हमारा हो गया है रेडी, हेडिंग जहाँ पे खत्म हो गया इसको यही बंद कर देना है। अब बारी आती है फ्लेक्स की, एक नया फ्लेक्स ओपन करना है, इसको हम मार्जिन रखेंगे, मार्जिन लेफ्ट, साथ में ही हमारे पास सीएसएस होती जाएगी, मार्जिन लेफ्ट ऑटो रहेगा, ऑटो मतलब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लेक्स होगा, अब इस फ्लेक्स के बीच हम लगाएंगे लिंक टैग, लिंक मतलब हम नेविगेशन बार क्रिएट करने वाले हैं। एच एफ इज इक्वल टू, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे मूव हो जाए, इसका नाम हम फीचर्स रख देते हैं, कोई भी एक नाम देना है इसको, होम पेज हो सकता है कुछ भी, फीचर्स मैं रखूंगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है फीचर्स, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो, ये देखो नेविगेशन बार का लिंक बन गया ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट साइड आ गया। और एक तो ये हो गया, क्या क्या ऐड करेंगे इसको, थोड़ा सा ना एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, एम एक्स इज इक्वल टू 4, देन एक फीचर ऐड करना है प्राइस कॉन्टैक्ट, जहां पे मेरे पास आएगा प्राइस, यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट, ये 4 हम रहने देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन वगैरह ऐड हो जाएगा। फ्लेक्स यहाँ पे ही बंद हो गया ना, नेविगेशन बार हमारी रेडी हो गई है, ये हो गई नेविगेशन बार। अब बारी आती है अगर बटन की, तो बटन क्रिएट करना है, मैं जहाँ पे बटन लिखूंगी ऐसे नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा बटन, जैसे ही अगर हम ऐसे ही बटन लिखेंगे ना, तो वो देखो बटन बन गया, तो सीएसएस साथ में इसकी ऐड हो गई। इसके ऊपर हम रखेंगे साइन इन, साइन इन या साइन अप पर कुछ भी रख लो, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। बटन को कैसे क्रिएट करना है, कलर स्कीम, कौन सी कलर स्कीम चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप कलर स्कीम सारी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कलर स्कीम लगानी कैसे है, इज इक्वल टू कलर के नेम होते हैं, तो मैं जहाँ पे कलर स्कीम टील रखूंगी तो ये एक नाम है, तो ये आ गया, ठीक है, सही लग रहा है मुझे, ये प्यारा लग रहा है कलर। और इसमें ऐड करेंगे आउटलाइन, वेरिएंट मतलब आउटलाइन, एरर आउटलाइन तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डबल कोट,
वो आउटलाइन आ गई। जैसे ही हॉवर करेंगे, अब जहां पर हॉवर करने पे भी कलर चेंज आ रहा है, लेकिन देखो आउटलाइन इसकी आ गई। जी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लगाना है लगा दो आउटलाइन, नहीं तो आप रहने भी दो अगर आपको ऐसे ही सही लग रहा है। और इसको हम मार्जिन थोड़ा सा ऐड करेंगे, मार्जिन लेफ्ट से ऐड करो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 4 कर देते हैं बस। ये हमारा बटन हो गया रेडी, कंटेनर जहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद फ्लेक्स बंद हो गया, और कंटेनर के बाद ये फ्लेक्स बंद हो गया जहां पे खत्म। अब बारी आती है मोशन बॉक्स, मोशन बॉक्स इसको एंटर कर दो। मोशन बॉक्स के बीच में इसको बोलूंगी, ये वाली जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके बीच हमने लगाना है एज इज इक्वल टू, इसकी सीएसएस बाद में थोड़ी सी ऐड करेंगे, इसको हम एक सेक्शन बोलेंगे। आपने क्या क्रिएट करना है, मैं एक सेक्शन क्रिएट करने वाली हूँ, जहां पे एक डिफरेंट एक सेक्शन क्रिएट करना है, तो इसको हम सेक्शन बोलते हैं एज सेक्शन। आपने इसको बताना है कि मुझे सेक्शन चाहिए, इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स में, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सारी सेंटर में, कॉमा नहीं आएगा जहां पे, अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, सेंटर, देन मिनिमम हाइट। इतना बड़ा आपको एक सेक्शन चाहिए तो मिनिमम हाइट इसको हम बोलते हैं, हाइट इसकी 100 VH रखेंगे, मतलब जहां पे जितनी स्क्रीन है जहां तक आ जाएगा, ठीक है, 100 VH मिनिमम हाइट। बैकग्राउंड इमेज एक मैंने लगानी है, तो मैं जहां पे इसको बोलूंगी बैकग्राउंड इमेज। अब जहां पे इमेज ऐड करनी है, मेरे पास पब्लिक वाले फोल्डर में है, यहाँ पे देखो पब्लिक वाला फोल्डर है, इसके अंदर दो इमेजेस मैंने रखी है, एक है हीरो इमेज, मतलब हीरो इमेज इसी को बोलते हैं जो हम एक मेन इमेज लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ये इमेज लग गई, ठीक है, इमेज लग गई। एक बैकग्राउंड साइज इसका कवर रखना पड़ेगा, ये इमेज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहां पे देखो इमेज सही नहीं लग रही, बैकग्राउंड साइज जहां पे लिखो कवर, और यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में रख देते हैं, और इसमें ऐड करेंगे, और इसमें एक कलर ऐड करेंगे, कलर मतलब अगर कोई कंटेंट वगैरह लिखना है इसके अंदर उसका कलर व्हाइट होगा, कुछ भी हम यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे ना, इमेज तो होगी सेट, इसके ऊपर अब मैंने कंटेंट ऐड करना है, कंटेंट का कलर मैं व्हाइट रखूंगी, आप कोई भी रख सकते हैं, जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे टेक्स्ट अलाइन सारी की सारी सेंटर में हो जाएगी, सेंटर, देन पीटी 6। अब जहां पे आ रही है ये हमारे लिए एक नेविगेशन बार को ना फिक्स करेगा पीटी, यहाँ पर मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगी ना तो मेरी नेविगेशन बार फिक्स होनी चाहिए, तो इसके लिए हम ये PT 6 आ रही है हम यूज करेंगे, और इसको अभी ये अकेला काम नहीं करेगा, यहाँ पे इनिशियल लिखेंगे, इनिशियल यहाँ पे होगी ओपेसिटी 0, मतलब जब हमारी रिफ्रेश होगा ना पेज पूरा, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे फेड होके आएगा, फेड होने का मतलब जहाँ पे एनिमेशन दिखेगी हमें, बस इतना मतलब होता है इसका, इनिशियल ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी, बाद में इसको बंद कर देंगे, बंद मतलब एनिमेट के बाद ओपेसिटी इसकी बंद हो जाए, एनिमेट यहाँ पे लिखो ओपेसिटी 1। अब देखो लग रहा है ना ऐसे फेड होके आ रहा है, जी देखो फेड होके आ रहा है, आप इसकी ओपेसिटी 1 रख सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन ऐड करनी है, टाइमिंग बताओ, ट्रांजिशन मतलब ड्यूरेशन कितने टाइम बाद वो फेड होके आए, ड्यूरेशन इसकी ज्यादा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम इसकी 1 सेकेंड होती है, तो 1 सेकेंड काफी, और ट्रांजिशन की स्पेलिंग गलत है, ट्रांजिशन अब सही है, ट्रांजिशन के स्पेलिंग तो सही है, अब इसमें क्या हो गया, ड्यूरेशन यहाँ पे 1 सेकेंड आएगा, ट्रांजिशन इज इक्वल टू आएगा, अब सही है, 1 सेकेंड में ये फेड होके आएगा, अब देखो आ रहा है ना इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा, 2 सेकेंड कर देंगे वो टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने स्टैक एक बनाना है, स्टैक यहाँ पे हम स्पेसिंग बोलेंगे,
स्टैक क्या होता है, जब हम क्रिएट करेंगे आपको पता चल जाएगा, बताने से ज़्यादा आपको देख के ज़्यादा समझ आएगी। और इसकी मैक्स विड्थ होगी, मैक्स विड्थ हो यहाँ पे LG में लिखेंगे, LG मतलब लार्ज फुल स्क्रीन पे, जहाँ पे ऑटो, ऑटो मतलब अगर सेंटर में आ जाएगा 6 पिक्सल तक स्टैक बन गया है। और इसके अंदर ये वाली ब्रैकेट है ना, हम ऐसे ऊपर ले चलते हैं तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इसको कर दो एंटर। इसके बीच एक हेडिंग क्रिएट करना है, हेडिंग, हेडिंग के बीच आपने कुछ लिखना है, कुछ भी लिख देते हैं। जो मैंने लिखा था डिस्कवर फ्यूचर ऑफ टेक, ऐसे कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो जो सेंटर में आया है, जो सेंटर में इसीलिए आया है क्योंकि हमने एक तो पहले स्टैक बनाया है, उसके बाद स्पेसिंग ऐड की है। मैक्स यहाँ पर MX ऑटो का मतलब है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। मैक्सिमम विड्थ LG है, मतलब पूरी स्क्रीन पे हमने एक सेंटर में एक अलग से छोटा सा एरिया बना दिया, जैसे ये पूरा सेक्शन बनाया है ऐसे ही सेंटर में एक से हमने अलग से सेक्शन बना दिया। कुछ भी कंटेंट करेंगे ऐड, इसके बीच ऐड होता जाएगा। अब हमने हेडिंग लिखा है, हेडिंग में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। इसका साइज रहेगा, साइज इसका हम रखेंगे 2x1, 2 × 1, 2 गुना, तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। और अभी सही नहीं है, अब जहाँ पे हम ऐड करेंगे फॉन्ट, इसमें हम फॉन्ट वेट ऐड करेंगे, फॉन्ट वेट मतलब बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और ये वाला जो 2 × हमने 1 रखा हुआ है, ये ज्यादा छोटा है तो इसको हम L के साथ कर देते हैं। अभी भी सही नहीं है, ये डिस्कवर लिखा हुआ ना, जो ज्यादा छोटा नजर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम साइज प्रॉपर्टी हटा दें, क्योंकि ऐसे ही सही लग रहा था, नहीं तो ऐसा करते हैं साइज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसके बाद हम ना इसमें थोड़ी सी CSS ऐड कर देंगे। नहीं अब सही है, पहले रिफ्रेश ही नहीं हुआ इसीलिए वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही थी। अब सही है क्योंकि L लगाया है ना, तो लार्ज साइज इसका आ गया, अब सही है, तो रिफ्रेश नहीं हुआ पेज। अब जहाँ पे चलते हैं, हेडिंग हमारे पास हो गया कंप्लीट। हेडिंग के बाद आपने आना है स्टैक के अंदर ही, हम ये सारा कोड कर रहे हैं। एक हमने जहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट इसको हम बोलते हैं, टेक्स्ट आ गया। एक तो मैंने हेडिंग लाया, हेडिंग के अंदर को हमारे पास छोटा सा टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट में यही चूज कर रही हूँ, ये डमी टेक्स्ट है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये टेक्स्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास हेडिंग होगा मेन, इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट होगा। तो अब टेक्स्ट के ऊपर आपने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। फॉन्ट साइज हम इसमें रखेंगे, एक LG का रखेंगे, लार्ज जितना भी होगा तो वो LG के अंदर अप्लाई हो जाएगा, LG। बस यही प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस इतना ही सही है। टेक्स्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद एक नया स्टैक क्रिएट करेंगे, स्टैक के अंदर एक नया स्टैक और क्रिएट करना है। इसके अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे, 2 बटन हमने बेसिकली बनानी है। बटन इसको पहले तो कलर थीम, कलर स्कीम ऐड कर देते हैं, जहां पे आएगा कलर स्कीम, कलर स्कीम जो हमने एक चूज की है बस वही लगाएंगे, ताकि मिस मैच ना हो कुछ भी। किधर गया बटन, अभी हमने लिखा नहीं कुछ बटन पे, एक बटन और बटन जो हमने गलत क्रिएट किया है, जहां पे आएगा मेरे पास कैपिटल V, क्योंकि ये तो HTML का लगा दिया इसने, मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन। अब यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बटन को LG स्टील लिखा हुआ है, कलर, कलर वो वाला आ गया जो पहले हमने लगाया था। और इसको हम प्रॉपर्टी क्या ऐड करेंगे, इसका साइज, साइज LG ऐड कर दो, LG मतलब हमारे जो फुल साइज होता है, ठीक है, वही आएगा। इसके ऊपर हमने लिखना है गेटिंग स्टार्टर, तो ये आ गया बटन। अभी ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इसको बाद में हम थोड़ा बहुत डिजाइन करेंगे। और ये वाला जो स्टैक लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रो में रहेगी, रो एंड कॉलम में होती है तो रो में रखेंगे। स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड करेंगे, 4 4 पिक्सल तक बोल सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट ऐड करना है, कंटेंट इसका सेंटर में रहेगा, जो भी मेरे पास बटन वगैरह कुछ भी होगा ना
वो सब सेंटर में होंगे। अब देखो ये सही लग रहा है ना बटन, चलिए बटन हो गया क्रिएट, बटन जहां पे बंद हो गया। इसी स्टैक के बीच एक और बटन क्रिएट करना है, इसी स्टैक के अंदर, उसके ऊपर हम लिखेंगे लर्न मोर, और इसके अंदर हम कलर तो सेम ही रख लेते हैं, सेम सही लगेगा। यहाँ पे आउटलाइन लगा देते हैं, नहीं तो वेरिएंट यहाँ पे आउटलाइन ही लिख देते हैं। एक ऐसे ही रहेगा, एक आउटलाइन वाला बटन रहेगा, तो दोनों ऐसे सही लगेंगे। ठीक है, अब सही लग रहा है। और इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी कलर स्कीम ऐड करेंगे, कलर स्कीम सेम ये वाली, इसका भी साइज मेंशन करो LG। तो ये हो गया दूसरा बटन रेडी। चलिए सही लग रहे हैं दोनों बटन, कितनी आसानी से वेबसाइट क्रिएट हो रही है। नहीं तो अगर हम इसमें CSS वगैरह ऐड करेंगे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। स्टैक जहाँ पे बंद हो गया ना, ये वाला स्टैक, एक स्टैक बंद हुआ है जहाँ पे, देखो एक स्टैक बंद हुआ है। इसी स्टैक के अंदर एक तो हमारा मेन स्टैक ऊपर हमने क्रिएट किया था ना, उसके अंदर हमने जाना है, ये वाला स्टैक जहाँ पे बंद, इस स्टैक के बाद एक लिंक क्रिएट करना है। लिंक के ऊपर हम ऐसे लिंक पहले क्रिएट कर देते हैं, इसको हम इसके बीच लगाते हैं। लिंक क्रिएट करना है, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज पहले अप्लाई करो। href इज इक्वल टू, इसको आपने एक नाम देना है, नाम क्या आएगा, फीचर्स। अब यहाँ पे हम फीचर्स ऐड करेंगे, क्योंकि जब कोई बंदा इसे फीचर्स पे जाएगा, फीचर सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं जहाँ पे आ जाऊंगी, इधर हमने एक फीचर सेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे लिंक यूज करेंगे। फीचर्स एक इसका कलर ऐड करो, कलर इसका हम टील रखेंगे, 200 तक इसका साइज रखेंगे। empty इज इक्वल टू 6, मार्जिन टॉप, इसके नाम से ही पता चलेगा empty ml, मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज LG लार्ज। तो ये तो हो गया लिंक, लिंक के बीच एक फ्लेक्स क्रिएट करना है, एक नया फ्लेक्स क्रिएट करेंगे। फ्लेक्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक हमें ऐड करना है बस इतना ही सही है। और जहां पे फ्लेक्स के अंदर एक हमने ऐड करना है टेक्स्ट, टेक्स्ट हम लिखेंगे सी फीचर्स, इधर क्या हमने टेक्स्ट ऐड किया है अभी, अभी नजर नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट तो जी आ गया। अब जहां पे हम क्लिक करेंगे ना, ये आईडी लगाने का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे ना, उसी पोर्शन पे जाके वो रुक जाए। मैं जहाँ पे फीचर पे क्लिक करूंगी तो फीचर वाला सेक्शन जो भी होगा वहां पे चला जाएगा। नेविगेट करना है तो नेविगेट करना आपको आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। टेक्स्ट ऐड कर दिया, इसमें कुछ भी ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि सब कुछ मैंने इस फ्लेक्स को ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये एक लिंक की तरह बन गया, ये देखो लिंक बन गया। चलिए इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कलर आप इसका वाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इधर टेक्स्ट के बाद, अब जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, जो हमने डिलीट किया था ना चैब्रॉन, हमने डिलीट किया था चैब्रॉन डाउन आइकन, और इसको हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देंगे। इसको हमने इंपोर्ट करना, पहले तो ML इज इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। टॉप पे चलते हैं, इंपोर्ट करना है हमने इधर, इंपोर्ट कर लो चेब्रॉन को, चेब्रॉन डाउन इधर गया, हमारे पास अभी आया नहीं, ये रहा। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, अब ये किसी चीज की लाइब्रेरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है मेरे पास चक्रा जुआई आइकन्स, एक तो आपने रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, चक्रा जुआई रिएक्ट, एक इंपोर्ट करना है आइकन्स को। अब यहाँ पे मैंने आइकन यूज किया, ये एक आइकन है। ठीक है, जितने भी आपने आइकन्स लगाने हैं, कोई भी सोशल मीडिया का आइकन हो गया, कुछ भी आइकन हो गए ना,
तो वो आप इसी के साथ लगाएंगे, लेकिन मेरे पास आइकन आया नहीं अभी, इसके साथ आना है। और ये आ गया, कोई एरर भी नहीं है मेरे पास। फिर से एक बार सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश, अभी देखो एरर है, तभी वो नहीं आया। इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे एरर है, आइकन्स की एरर है। यहाँ पे है चक्रा यूआई आइकन्स। तो हमने क्या करना है, एक बार इसको ना डाउनलोड कर लेते हैं, अलग से इसको डाउनलोड कर लो, एक बार कॉपी करो, अपने फोल्डर पे चले जाओ, सीडी ऐप, एनपीएम आई, गलत हो गया, जहाँ पे इसको बंद कर दो, फिर से नया टर्मिनल ओपन करो, सीडी ऐप, यहाँ पे एनपीएम आई, चेवरॉन को हमने करना है डाउनलोड, तो यहाँ पे चलो। सिर्फ उतना ही, हमने ये वाला आइकन्स है ना, आइकन लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। चक्रा जुआई आइकन्स की लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे तब हमें जाके शो हो सकता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये हो गया डाउनलोड, अभी भी सेम एरर है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आइकन्स तो हमने लगाने ही है वेबसाइट के ऊपर, आप सोशल मीडिया के भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, इधर मैंने ना गलत इसको इंपोर्ट किया हुआ है, इसको बंद करो। यहाँ पे मेरे पास कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट के बीच हम हमेशा इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको सेव करो, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करो। अब देखो आइकन लग गया, जे वाला आइकन है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है, इधर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो जो कोई भी आपने आइकन लगाना है तो इसी को आप यूज कर सकते हैं, और गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं आइकन्स। इधर जाके आपने सर्च करना है चक्रा यूआई आइकन्स, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कैसे आइकन्स लगाने हैं, कौन कौन सा आइकन लगाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बार जाके चेक कर लेना, तो ये सारे आइकन है, कौन सा आइकन चाहिए, हर एक का नाम लिखा हुआ है, बस उसका नाम लगाना है। तो जे लॉक आइकन लगाना है, तो लॉक आइकन आपने सबसे पहले ऐसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद बस इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है जिधर हमने जे वाला लगाया हुआ है। तो चेवरॉन आइकन आप यहाँ पे लगा दो, मेरे पास आ चुका है। अगर आपके पास नहीं आया, पहले एक इसकी जो लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद बस कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दो, नेक्स्ट चलते हैं। आइकन लग गया, जहां तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ये सब बंद हो गया। अब मोशन तक, मोशन बॉक्स हमारे पास खत्म हो गया, एंटर करो। अब यहाँ पे हम फीचर सेक्शन ऐड करने वाले हैं, तो एक नया मोशन बॉक्स क्रिएट करना है, मोशन बॉक्स एंटर करो। अब हम फीचर सेक्शन क्रिएट करेंगे इसके नीचे, इसके नीचे अब एक नया सेक्शन क्रिएट करना है। जब भी नया सेक्शन क्रिएट करना है, मोशन बॉक्स आपने ऐड करना है नया, एस क्या इसको बोलना है, सेक्शन, कि मैं मुझे एक सेक्शन चाहिए, नया सेक्शन क्रिएट करो। एक आईडी मेंशन करनी बहुत ही जरूरी है, आईडी जहाँ पे वही ऐड करेंगे जो हमने पहले ऊपर की थी, फीचर्स आईडी, जहाँ पे देखो एचआरएफ लिखा है ना, हैश लिखा हुआ है, हैश का मतलब है जी एक आईडी है। अब जहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा इधर पहुंचे जाएंगे इस सेक्शन पे बस। अगर आपने कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाना है सेम ऐसे ही, जहाँ पे हैश लिखा होगा कॉन्टेक्ट, वहां पे क्लिक करेंगे एक आईडी जहाँ पे होगी कॉन्टेक्ट नाम की, उधर क्लिक करेंगे तो हम कॉन्टेक्ट वाले पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग 20 BG, और एक कलर ऐड करना, तो मैं जहाँ पे कलर रखूंगी ग्रे 100। स्क्रॉल डाउन करो, अब जहाँ पे मेरे पास एक सेक्शन बन गया है, और बीजी हो गया ग्रे कलर, स्पेस आ गई ना मेरे पास। अब ये देखो कलर चेंज हो गया ना, बैकग्राउंड कलर, तो ऐसा ही सही है, आपकी मर्जी है कौन सा कलर रखना है। इनिशियल यहाँ पे ओपेस्टिस की रखेंगे, सेम हम थोड़ी सी ओपेस्टिस की फेड कर देंगे, इनिशियल में ओपेस्टी 0 रहेगी, एनिमेट पे ओपेस्टिस की 1 हो जाएगी, तो फेड होके आएगा थोड़ा सा। ट्रांजिशन साथ में ऐड करेंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, बस इतने ही काफी है। ये हो गया हमारे पास एक मोशन रेडी, मोशन के बाद एक कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर, कंटेनर के बीच एक मैक्स विड्थ ऐड करनी है, मैक्स डब्ल्यू, तो मुझे चाहिए ये कंटेनर LG,
तो एलजी मतलब यहाँ पे लार्ज स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे नजर आएगा। मोशन स्टैक एक क्रिएट करना है, इसके बीच कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है इस एंगुलर ब्रैकेट के बीच। क्या प्रॉपर्टी है? स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड करेंगे, यही कर देते हैं। स्पेसिंग 12 पिक्सल तक, थोड़ी सी टेक्स्ट लाइन सारी की सारी सेंटर में, और इसमें ऐड करेंगे इनिशियल। सेम हम ओपेसिटी की कर देंगे इनिशियल, यहाँ पे आएगा मेरे पास। ऐसा करते हैं इसमें ओपेसिटी नहीं, इसमें मैं 22 रखूंगी। 22 मतलब 22 से -50, तो ये मूव होके आएगा। एनिमेशन ऐड करनी है ना, तो मैं क्या करूंगी इसको 22 से -50 कर दूंगी। -50 पिक्सल के लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बाई इसे टॉप की तरफ या फिर बॉटम की तरफ जाएगा, तो आपकी मर्जी है कैसे ऐड करना है। थोड़ी सी हम एनिमेशन ऐड करेंगे 50, और इसमें जो सिंगल कोट नहीं आने, डबल कोट से भी नहीं आने, अब सही है। और इसके बाद एनिमेट बोलो इसको। एनिमेट के बाद जो भी इसकी वाई की वैल्यू हमने माइनस की है ना, वो 0 हो जाए, तो वो मूव होता हुआ आएगा। ट्रांजिशन भी ऐड करो। ट्रांजिशन हम ऐड करेंगे इसकी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 1, बस इतनी सही है। तो ये हो गया। इसमें एक हेडिंग ऐड करना है। हेडिंग हम रखेंगे आवर फीचर्स, अब इसमें हेडिंग आना चाहिए। और इसमें कोई एरर है तभी हमारे पास आउटपुट नहीं आई। जैकोर अच्छा, जहाँ पे मोशन स्टैक तभी वो पूरे का पूरा गायब हो गया। मोशन स्टैक हमने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे एस कैपिटल आनी है। सेम ऐसे ही जहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं ना, 3 डॉट मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गलती है, अब सही है। यहाँ पे आवर फीचर्स लिखा आ गया, इसका एक अलग सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। जो आवर फीचर्स लिखा हुआ है इसको आप कलर वगैरह मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइज लिखूंगी XL का साइज, इतना ही सही है। एक इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है ऐसे करो। टेक्स्ट हम रखेंगे वी ऑफ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, ऐसे लिखूंगी टू हेल्प यू, बस इतने काफी है। टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट नजर आएगा, वो लिखा हुआ है ना। टेक्स्ट को आपने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। फॉन्ट साइज ऐड कर दो। फॉन्ट साइज हम रखेंगे एलजी। कलर, कलर इसका हम रखेंगे ग्रे 600, ये कलर कोड है, सही लग रहा है। मोशन स्टैक भी हो गया, जहाँ पे रेडी टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट को जहाँ पे ही बंद कर देंगे, टेक्स्ट के बाद इसको एंटर करो। एक हमने फ्लेक्स क्रिएट करना है, फ्लेक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। रैप जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड करेंगे 8 तक कर देते हैं, 8 पिक्सल तक। इसके अंदर एक मोशन बॉक्स क्रिएट करना है, फ्लेक्स के अंदर मोशन बॉक्स। मोशन बॉक्स के बीच हम क्या लिखेंगे? ये वाली एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने आना है। पहले तो इसकी मैक्सिमम विड्थ रखेंगे SM, स्मॉल रखेंगे। अब जहाँ पे एलजी नहीं रखनी, एक जहाँ पे बॉर्डर विड्थ ऐड करेंगे, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल तक। जहाँ पे ना हमें ये छोटे छोटे एरियाज चाहिए, और एक बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा रेडियस हम इसको रखेंगे एलजी। बॉर्डर रेडियस एलजी मतलब जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उतनी आ जाएगी। अब पहले इसके अंदर एक इमेज लगा के देखते हैं कि हमारे पास मोशन बॉक्स कैसा नजर आ रहा है। कुछ भी कंटेंट ऐड करना है इसके अंदर ऐड करेंगे। इमेज लगानी है तो IMG टैग नहीं आएगा, इमेज आएगा। इमेज सोर्स इज इक्वल टू, मेरे पास पब्लिक वाले फोल्डर में इमेज है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी hero.webp, ये वाली इमेज है, इमेज आ जानी चाहिए अभी। जहाँ पे
वेब भी, ये तो सही है। इमेज सोर्स और हेडिंग ऐड करके देखते हैं, और ये वाला जो टैग है ना, हम इसको ऐसे यहाँ पे बंद कर देंगे। ये सही तरीका है इसका। एक हेडिंग ऐड करके देखते हैं, क्योंकि इमेज मेरे पास शो नहीं हुई। हेडिंग के ऊपर रखेंगे फीचर्स, फीचर्स 1, तो इमेज आ गई, अब सही है। तो ये आ गई इमेज, ठीक है। ये देखो एक अलग से एरिया बन गया, इसमें के ऊपर बॉर्डर वगैरह लगा दिया ना। ऐसे आप 3 बना सकते हैं, तो मैं जहाँ पे 2 क्रिएट करूंगी, 2 बॉक्स हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और अप्लाई करूंगी। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया एलजी का। ओवरफ्लो इसका जितना भी है उसको हिडन लिखो। कोई भी इमेज कोई टेक्स्ट इससे बाहर जाएगा वो हमें नजर नहीं आएगा। पी पैडिंग, बीजी बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसमें थोड़ी सी शेडो ऐड करेंगे एमडी। सही लग रहा है ना? ये देखो थोड़ी सी शेडो भी आ गई। और इनिशियल सेम, यहाँ पे भी कुछ एनिमेशन थोड़ी सी ऐड करेंगे। इनिशियल में इसको स्केल कर देंगे 0। अब देखो कैसे एनिमेशन ऐड करनी है। 0.95 स्केल हो जाएगा। हॉवर करने पे करना था हमने, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे अब इसको एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वाइल हॉवर। जब कोई बंदा हॉवर करेगा देन इसकी जो स्केल वाली वैल्यू है उसको 1.05 कर दो। अब तो आ जाना चाहिए, रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो ये एनिमेशन तो ऐड हो गई ना, हॉवर वाला नहीं हुआ अप्लाई। तो हम ऐसा करते हैं वाइल हॉवर ट्रांजिशन ऐड करते हैं। ड्रेशन इसकी लिखनी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हम इसकी लिखते हैं 0.3 सेकेंड। तो बहुत ही कम रखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा। अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। हॉवर करने पे इसका साइज इंक्रीज हो जाना चाहिए। इनिशियल स्केल इसका रहेगा 0.95, तो ये तो सही है। स्केल यहाँ पे स्केल के स्पेलिंग की गलत है, अब सही है। ये हो गई एनिमेशन रेडी, ठीक है। चलिए एक तो बन गई। ड्यूरेशन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बस ये हो गया। अब इमेज भी ऐड हो गई है हमारी। इमेज के बीच हमने हेडिंग लगाया हुआ है, इसका साइज रखो। साइज हम इसका एमडी रखेंगे मीडियम। मार्जिन टॉप थोड़ा सा 4 पिक्सल तक बस। इसके बाद एक टेक्स्ट ऐड करना, हेडिंग जहाँ पे खत्म एक टेक्स्ट ऐड करो। टेक्स्ट को बस पहले के एम टी मतलब मार्जिन टॉप से थोड़ा सा हम ऐड करेंगे 2 पिक्सल का, थोड़ी सी वैल्यू दे दिया करो ताकि स्पेस आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी लिख देते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स ऐसे लिख लो, तो ये आएगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा नजर आया, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा आपने कंटेंट क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद बारी आती है जैसे अब यहाँ पे मोशन बॉक्स एक बंद हो गया, कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी कुछ भी नहीं करना। जहां से लेके जहां से कॉपी मोशन बॉक्स पेस्ट, 2 हो गए, 3 करने हैं क्रिएट, 3 कर लो। तो तीसरा यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 ही रहने देते हैं, 2 सही लग रहे हैं। नहीं तो उसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो 2 जहाँ पे आप इमेजेस चेंज कर दो। ये भी हो गया हमारे पास, 2 हो गए रेडी। इमेजेस चेंज करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं चेंज करना। अब यहाँ पे सब कुछ मेरे पास हो गया बंद, कंटेनर वगैरह सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया, मोशन बॉक्स बंद हो गया। इस मोशन बॉक्स लास्ट वाले मोशन बॉक्स के बाद हमने एक प्राइज सेक्शन ऐड करना है। तो ऐसा करते हैं, मोशन बॉक्स एंटर करो, यहाँ पे सबसे पहले एज इसको बोलो सेक्शन, मुझे एक सेक्शन चाहिए। एक आईडी आएगी, आईडी हम रखेंगे प्राइस, तो प्राइजिंग रख देते हैं। पी वाई कोई वैल्यू ऐड करनी है, पैडिंग वगैरह। बीजी बीजी वाइट ही रखेंगे। बीजी इनिशियल ओपेसिटी ताकि एनिमेशन ऐड हो जाए।
इनिशियल ओपेसिटी 0 रखेंगे, उसके बाद एनिमेट ओपेसिटी 1 कर दो, फेड होके आएगा, ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, डिले नहीं रखेंगे, ड्यूरेशन तक रखो बस। बस ये हो गया हमारा एक और मोशन बॉक्स रेडी। इस मोशन बॉक्स के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर कंटेनर के बीच मैक्सिमम विड्थ रखो सबसे पहले, तो इसको हम बोलेंगे कंटेनर एलजी। ये हमारे पास स्टाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये हम स्टाइल्ड कंपोनेंट साथ में यूज कर रहे हैं। इसके अंदर सीएसएस हम ऐड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करनी है। यहाँ पे सबसे पहले लिखो मोशन स्टैक, मोशन स्टैक के अंदर इसको यहाँ पे एंटर कर दो। पहले तो इसकी स्पेसिंग ऐड करेंगे, 12 तक कर दो। टेक्स्ट अलाइन जितना भी है इसके अंदर सेंटर में कर दो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इनिशियल सेम जहाँ पे वाई हम 50 रखेंगे, उसके बाद एनिमेट कर दो, वाई की वैल्यू 0 कर देंगे तो वो ऊपर से ऐसे ही नीचे की ऊपर की तरफ जाएगा। एक जहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करो, ड्यूरेशन 1 सेकेंड ही रखेंगे। इसमें भी हेडिंग वगैरह ऐड करनी है, हेडिंग हेडिंग का साइज, सारा कंटेंट एक जैसे नहीं क्रिएट करना, आप प्राइस का कुछ डिफरेंट करो, प्राइसिंग प्लान्स कि हमारे प्राइसिंग प्लान क्या क्या है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखो एनिमेशन तो हो गई ना रेडी, कितना आसान है एनिमेशन ऐड करना। एक जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट को हम रखेंगे फॉन्ट साइज कितना रखें हैं इसका, एलजी, क्योंकि ये एक हेडिंग है। कलर कलर हम ग्रे ही रखेंगे, ग्रे 60 तक यही सही है। और इसको बोलो ये वाला टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया कि आप इनमें से कोई प्लान चूज कर लो, तो ये वाला आ गया, ठीक है, चूज प्लान, टेक्स्ट भी ऐड हो गया। बस उसके बाद इसको बंद कर दो, टेक्स्ट जहाँ पे खत्म हो गया। अब बारी आती है फ्लैक्स की, एक फ्लैक्स क्रिएट करना है, रैप कर दो फ्लैक्स को, रैप प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, जस्टिफाई जस्टिफाई सेंटर, स्पेसिंग स्पेसिंग 8 पिक्सल तक सही है, स्पेसिंग ऐड किया करो, हर एक के ऊपर करना फ्लेक्स के, एक बॉक्स ऐड करेंगे। अब इसमें हम बॉक्स ऐड करने वाले हैं, बॉक्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। पहले तो मैक्सिमम विड्थ, अब जहाँ पे हम लार्ज नहीं रखेंगे, मैक्सिमम विड्थ एस एम रखेंगे स्मॉल। अगर आपने कभी बूटस्ट्रैप किया है ना, तो सेम वही क्लासेस हम जहाँ पे यूज कर रहे हैं, यही एक बूटस्ट्रैप है रिएक्ट का, इसको बूटस्ट्रैप बोल सकते हैं आप। और इसकी जो बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर विड्थ हम 1 पिक्सल तक रखेंगे, एक बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर रेडियस एल जी, ओवरफ्लो हिडन जितना भी होगा ओवरफ्लो, जहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग, बीजी बाइट, और बीजी वाइट नहीं करेंगे इसमें, पहले शेडो ऐड कर देते हैं, बीजी कलर इसका चेंज करेंगे ताकि यहाँ पे सब कुछ एक जैसा ना लगे। इसका हम कलर करेंगे ग्रे 100, ये 100 इसके स्केल कोड है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, एरर किधर है मेरे पास, ग्रे आ गया, बॉर्डर रेडियस कुछ भी अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। कोई कंटेंट ऐड करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं। हेडिंग ऐड करते हैं इसमें, हेडिंग हम रखेंगे बेसिक प्लान, तो ये आ गया, ठीक है, सही है। अब जहाँ पे नजर आ रहा है बेसिक प्लान, ये हमने क्रिएट किया है एक बॉक्स बेसिक प्लान, यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई करें, एक इसका साइज मेंशन कर देते हैं, MD मीडियम साइज रहेगा। बस एक टेक्स्ट ऐड करो, टेक्स्ट मार्जिन टॉप से थोड़ा सा हम इसको स्पेस देंगे, फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज हम रखेंगे 2 × l के साथ कर देते हैं, तो ये 2 गुना हो जाएगा। फॉन्ट वेट भी ऐड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और जहां पे आपने प्राइस लिखना है, डॉलर कुछ भी रख देते हैं, पर मंथ प्राइस प्लान हमने बनानी है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक टेक्स्ट। इसके बाद ये वाला टेक्स्ट है जहां पे खत्म है, एक नया टेक्स्ट ऐड करना है जहां पे अब आपके जो आपकी जो आइडिया आपका होगा वो ज्यादा काम आएगा कि वेबसाइट आपने क्रिएट कैसी करनी है। कंटेंट आपके पास होना चाहिए अच्छा सा। इधर मैं लिख देती हूँ एक्सेस टू बेसिक फीचर्स, फुल कंटेंट लिखना है एंड स्पोर्ट। और यहाँ पे इंडिविजुअल और स्मॉल थीम चेक कर लेते हैं, सही लग रहा है इतने ही। बस कंटेंट हो गया रेडी, प्राइस प्लान हो गया रेडी हमारे। आपने देखे होंगे प्राइस प्लान कैसे दिखते हैं, तो आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक इसमें बटन लगाना है, बटन के ऊपर हमने लिखना है साइन अप कर, क्योंकि प्राइस लेने के लिए साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रख देते हैं एम्प्टी मार्जिन टॉप थोड़ा सा। कलर स्कीम कौन सी रहेगी, अब यहाँ पे बटन के ऊपर कलर स्कीम हम यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपने कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कलर। कलर हमने कौन सा टील यूज किया था, लेकिन आया नहीं। कलर स्कीम स्पेलिंग तो सही है, अब आ गया तो रिफ्रेश लेट होता है। सही है, बटन तो लग गया। अब इसमें आप वेरिएंट ऐड कर सकते हैं, वेरिएंट हम ऐड करते हैं आउटलाइन, ये सही लग रहा है। चलिए बॉक्स रेडी हो गया, अब बारी आती है कितने बॉक्स क्रिएट करने। इसको कॉपी कर लेते हैं, किधर गया बॉक्स, कॉपी पेस्ट, 2 2 ही काफी है क्योंकि तीसरा जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। 2 सही है। बॉक्स के बीच जहां से स्टार्ट है, जहां पे हम थोड़ी ऐड करके देखते हैं, 10 तक, 10 तक ज्यादा होगी। पैडिंग और एक प्रॉपर्टी ऐड करके देखते हैं, मार्जिन आ गया। तो हमें जहां से स्पेस चाहिए थोड़ी सी, ये नहीं लगेगी। चलिए इसको हम देखते हैं क्योंकि बीच में थोड़ी सी स्पेस चाहिए। जहां ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, अकेला हम एम मतलब मार्जिन हर एक तरफ से ऐड कर देते हैं 4। और जहां पे जो आ रहा है ऐसे, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा है, ऐसा क्यों है इसको देखना पड़ेगा हमें, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे बॉक्स को भी जाके M4 ऐड कर देते हैं, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। जहां पे भी M = 4, अब सही है, अब बीच में स्पेस आ गई ना, अब सही लग रहा है। चलिए जहां तक तो हो गया हमारा रेडी। अब एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, हम आ गए जहां पे कंटेनर तक, हमारा हो गया रेडी बिल्कुल। मोशन यहां तक आपने कंप्लीट करना है, इधर आपका पूरा कंटेंट खत्म होना चाहिए, इसके बाद नया आपने स्टार्ट करना है। इसको फिर से हम रखेंगे मोशन बॉक्स, एक नया मोशन बॉक्स क्रिएट करना है एज, इसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो मैं जहां पे कॉन्टैक्ट लिखूंगी, कॉन्टैक्ट एक आईडी देनी है, आईडी का नाम कॉन्टैक्ट रखेंगे। जब कोई बंदा वहां पे, हमने ऊपर आईडी पता नहीं मेंशन की कि नहीं। एक नया हमने मोशन क्रिएट किया है जे वाला, यहाँ पे प्राइसिंग सही है, यहाँ पे आईडी जरूर आनी चाहिए जे वाली, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा जब हम नेविगेशन बार पे क्लिक करेंगे। एक आईडी आ गई, एक हमने PY = 20, ये सारी सेम हमारी पिछली प्रॉपर्टीज हैं। ग्रे 100 ही कलर रखेंगे इसका। एक इनिशियल जहां पे रखेंगे
इनिशियल में हम ओपेसिटी रखेंगे, इसी को एक्सेप्ट कर लो। तो ये भी मूव होके आएगा। अब बारी आती है जहां पे एक कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर, इसके बीच प्रॉपर्टी ऐड करो, मैक्स विड्थ इसकी रहेगी कंटेनर डॉट एनजी, देन एक इसमें ऐड करेंगे, बस इतने सही है। अब बारी आती है इसके अंदर को मोशन स्टैक, मोशन स्टैक ऐड करो इसके अंदर कंटेनर के अंदर। इसमें प्रॉपर्टी ऐड करो स्पेसिंग की, स्पेसिंग आएगी इतनी रख देते हैं 12, और इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, इनिशियल इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे ताकि एनिमेशन ऐड हो। वाई से 0, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1, बस जहां तक हो गई एनिमेशन भी होगी रेडी। अब इसमें हेडिंग ऐड करना है, हेडिंग के बीच रखेंगे कॉन्टैक्ट अस, ये हमें सेंटर में चाहिए। साइज इसका लगा दो एक्सेल, क्योंकि ये एक हेडिंग है। इसमें भी टेक्स्ट ऐड करो, टेक्स्ट के ऊपर हम रखेंगे कुछ लिख देते हैं, अगर आपको हैव क्वेश्चन और नीड सपोर्ट रीचर्स, ऐसे कुछ लिख लो। टेक्स्ट हो गया रेडी, इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज लिखते हैं। फॉन्ट साइज हम ऐड करेंगे एलजी लार्ज। यहाँ पे खत्म हो गया टेक्स्ट, इसके बाद एक बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम पहले तो इसका कलर वगैरह मेंशन करेंगे, बीजी कलर हम रखेंगे वाइट, आप चेंज कर सकते हैं। पैडिंग हर एक तरफ से 8, एक जहां पे रखेंगे बॉर्डर रेडियस एलजी में रखेंगे, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब 10 तक होती है इसकी वैल्यू, तो बॉर्डर रेडियस 10 तक रहेगा। एक शेडो ऐड करेंगे एमडी मीडियम, शेडो भी ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है बॉक्स के अंदर एक स्टैक, स्टैक को कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। सबसे पहले स्पेसिंग 4, और स्पेसिंग हो गया इसमें, और ऐड करेंगे बस इतने सही है। इसको हम ऊपर ले चलते हैं, ये कॉन्टेक्ट वाला है ना, एनिमेशन तो हो गई रेडी। अब बारी आती है इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, एक मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट फील्ड प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर के अंदर लिखो नेम, इनपुट को ऐसे बंद नहीं करना अपने, ये होती है बाय डिफॉल्ट ऐसे, वहां पे ही बंद कर दी जाती है। यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड रेडी हो गई, तो बैकग्राउंड भी इसका एक बन गया है छोटा सा। सेम ऐसे ही एक और इनपुट लगाओ, एक ईमेल के लिए ईमेल, और इसकी टाइप ईमेल रखेंगे साथ में ना, ऐसा होगा कि टाइप रख देते हैं, जब भी कोई इसमें टाइप करेगा तो एट दी रेट लगाना कंपलसरी होता है, इसकी टाइप को जरूर मेंशन करेंगे। एक मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया ऐसे लगाएंगे। अब ये सब हमने पहले ऊपर डिफाइन किया हुआ है, अब जहाँ पे मैसेज वगैरह लिखेंगे, और इसमें एक वैल्यू होती है रो कॉलन, आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपको एक टेक्स्ट एरिया मिल जाएगा। दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया ना मैसेज, यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। एक ये हो गया टेक्स्ट एरिया, एक बटन क्रिएट करना है सेंड मैसेज, कलर स्कीम
कलर स्कीम हम सेम यूज करने वाले हैं पूरी वेबसाइट पे, ये वाले कलर स्कीम भी हो गया और बस इतना ही सही है। बटन हो गया रेडी, स्टैक जहां पे बंद हो गया, पूरा मोशन यहाँ पे खत्म हो गया जी। जहां तक मोशन खत्म, ये वाला मोशन बॉक्स, जहां तक ये वाला मोशन खत्म है, इसके बाद एक बॉक्स क्रिएट करो, फूटर क्रिएट करना है, फूटर भी आना चाहिए। कैसे क्रिएट करना है, इसको बोलो एज अ फूटर कि मुझे फूटर क्रिएट करना है, तो इसको पता चल जाएगा कि फूटर कहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करो, बीजी इसमें ऐड करेंगे, टील कलर 500, जो इसमें कलर टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का होगा सारा, और इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, बॉक्स हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर हम करेंगे एक कंटेनर रेडी, कंटेनर के अंदर मैक्सिमम पहले तो विड्थ इसकी रखो, कंटेनर एलजी, जैसे हमारी नेविगेशन बार है वैसे ही एलजी, पूरे होगा हमारा फूटर। टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी, यहाँ पे हम रख देते हैं वेबसाइट, कुछ कंटेंट लिख दो यहाँ पे, ये हो गया टेक्स्ट रेडी। फूटर आया नहीं अभी, जी आ गया, सही है, फूटर रेडी हो गया। और इसमें ऐड कर देते हैं एक लिंक, ऐड करना है लिंक के ऊपर हम रखेंगे कॉन्टेक्ट अस, लिंक को HRF ऐड करना है। अब जहाँ पे हमने ID मेंशन करनी है, कौन सी, हैश कॉन्टेक्ट की, जब इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो कॉन्टेक्ट पे चला जाए। और ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो MT मार्जिन टॉप 4, और ये वाला खत्म, जहां पे आ गया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टर्स भी हो गया रेडी और फूटर भी हो गया, बस सही है। अब देखो कोई CSS हमने ऐड नहीं की, बस ऐसे ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है बस उसी को यूज किया हमने, ठीक है। ये हो गई हमारी वेबसाइट रेडी, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इधर मैं क्लिक करूंगी कॉन्टेक्टर्स, तो यहाँ पे ही है, सही है। और जो हमारी नेविगेशन बार है वो अभी रेडी नहीं हुई है, मतलब एक तो वो फिक्स नहीं है, स्क्रॉल अप कर रहे हैं यहाँ पे देखो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो वो फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, और इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ, हमने शायद किया नहीं वहां पे, हमने जाना है नेविगेशन बार, ये रही, ये वाले हमने प्रॉपर्टीज ऐड की है, इसको एक बार चेक करना है। आपने जहाँ पे टॉप पे आ जाना, इधर हमने जिधर से कोडिंग स्टार्ट की थी, इधर मैंने पैडिंग रखा हुआ है ना एक, यहाँ पे एक बीजी ऐड करेंगे, बीजी कलर चाहिए मुझे, यही चाहिए टील कलर, साथ में 500 वैल्यू रख देंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो सही लग रहा है कलर। और जहाँ पे एक कलर ऐड करेंगे, मतलब जिसमें टेक्स्ट है वो सारे का सारा वाइट में हो जाए। पोजीशन इसकी, अब देखो जहाँ पे पोजीशन ऐड करनी है, ये कुछ जरूरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। पोजीशन इसकी फिक्स रखेंगे, अब देखो फिक्स हो गई, लेकिन फिक्स होते ही ये ऐसे हो जाती है, हर एक नेविगेशन बार के साथ ऐसा ही इशू होता है, जब भी CSS प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो ऐसे ही आ जाती है, तो हाफ हो जाती है। इसकी विड्थ रखो 100%, अब सही है, अब सही लग रही है ना। अब जहाँ पे ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और जहाँ पे ये भी सही है, जहाँ पे ये भी सही है, जहाँ पे ये भी सही है, और इसको ना जेड इंडेक्स रखेंगे, जेड इंडेक्स के साथ अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं ना, हमेशा ये सामने की तरफ रहेगी, इसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगी, बाकी सारा कंटेंट इसके पीछे रहेगा। अगर आप जेड इंडेक्स माइनस में रख देते हैं, बाकी कंटेंट ऊपर आएगा, नेविगेशन बार पीछे चली जाएगी, एक माइनस में भी होता है, यहाँ पे देखो नेविगेशन बार पीछे चलेगी, गायब नहीं हुई, इस इमेज के पीछे चलेगी, तो उसकी प्रायोरिटी लो हो गई। प्लस में अगर रखेंगे तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी हाई। तो बस ये हो गई हमारी नेविगेशन बार भी रेडी, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एनिमेशन रेडी हो रही है ना, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो,
तो ये देखो एनिमेशन लग रही है, ऐसे ही हमने जहां पे भी एनिमेशन लगाई हुई है ये देखो मूव होके आ रहा है, तो जहां पे ऐसे हॉवर करेंगे तो ये इफेक्ट आ रहा है। कितनी आसानी से हमारे पास वेबसाइट हो गई है रेडी, बहुत ही आसानी से, कोई सीएसएस हमने प्रॉपर्टी ऐड नहीं की, जो सब कुछ बना बनाया है बस उसको हमने यूज किया है। ये देखो सीएसएस कितनी कम है, अगर यही सब कुछ आपने सीएसएस में ऐड करना हो ना, वहां से जाके क्रिएट करनी हो वेबसाइट, बहुत ही टाइम लग जाता है आपको। इसीलिए इस अगर आप रिएक्ट को फ्रंट एंड के साथ सीखना चाहते हो तो ऐसी लाइब्रेरी से यूज किया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।